गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। पेज नंबर 139 139 18 मई। तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह पाँच दिनों से भक्ति के बारे में हम लोग प्रातः के आनंद रस रत्नाकर वाले सत्संग में महाराष्ट्र से सुन रहे हैं। 13 मई से शुरू किया था और वहाँ पर ये बताया था कि भक्ति के दो पहलू हैं। तो अगर किसी को लगे कि जो वैराग्य वाला पहलू है तो वैराग्य वाला पहलू तो कुछ वहाँ करना नहीं है, जैसे जैसे भगवान में प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे संसार का प्रेम अपने आप कम होता जाएगा। दूसरा भक्ति का जो पहलू महर्षि ने बताया कि भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम भगवान के बारे में जानना चाहेंगे। तो ये जो महापुरुष लोग हैं, संत हैं, वे बताते हैं भगवान के नाम की महिमा, रूप की महिमा, लीला, भगवान की लीलाओं का कथन करते हैं और धाम की महिमा, नाम रूप लीला धाम, इनकी कथाओं को सुनते सुनते हम लोगों को भगवान के बारे में हमारी जानकारी भी बढ़ती रहती है। तो आज ये जो दूसरा भक्ति का पहलू है उसको लेकर एक विशेष बात महर्षि बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो जानकारी है तो वेदांत वाले ये कहते हैं कि भाई भगवान के स्वरूप की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जब आवश्यक होगा भगवान अपने स्वरूप की जानकारी भी भक्त को दे देते हैं, पर वो तो बहुत आगे की बात है। इसके पूर्व भगवान की जानकारी हमको होनी ही चाहिए क्या, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो देखिए क्या कहते हैं, प्रेम में जानकारी की ज़रूरत नहीं रहती है। यानी भक्ति के दो पहलू जो वहाँ बताए थे तो दूसरा पहलू इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं भक्त के हृदय में बैठ के और उसको जो जो आवश्यक जानकारी देनी है वो दे देंगे। उसमें ये आवश्यक नहीं है कि भाई वो उसने रामायण पढ़ी है कि नहीं, गीता का स्वाध्याय किया है कि नहीं, उपनिषद पढ़ा है कि नहीं, भागवत का। बहुत से लोग यहाँ आते हैं हमारे पास, अभी एक पति पत्नी आए थे तो वो एक सुनीता और वो जो है उनके पति प्रदीप, वो तो आते ही रहते हैं, नेचुरोपैथ है वो, प्राकृतिक चिकित्सक है। तो उसके 50वां जन्मदिन था तो अपने मित्र को लाए, पहली बार आए वो लोग, मित्र और उनकी पत्नी। तो बोले हमने भागवत कभी पढ़ाई नहीं है और हम चाहते हैं कि भागवत हम पढ़ें। वही हालत उनकी थी जो आते रहते हैं हमारे पास। तो कहने का मतलब कि जानकारी में हम देखेंगे कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि भागवत क्या है और भगवद गीता क्या है। भागवत में और भगवद गीता में भी उनको फ़र्क नहीं मालूम है क्योंकि कभी शास्त्र देखे ही नहीं है। तो महर्षि कह रहे हैं कि प्रेम में जानकारी की ज़रूरत नहीं रहती है। धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज, अभी मैंने कल परसों एक बताया कि कहते कि शबरी ने कौन सी गीता पढ़ी थी, है ना? तो अब उसको वहाँ वाल्मीकि रामायण में आया है कि भगवान की कृपा से वो सर्वज्ञ हो गई, यानी सब उसको पता लग रहा है कि कहाँ पे ये भगवान राम और जो लक्ष्मण हैं ढूंढ रहे हैं सीता को। तो पूछा शबरी को कि हम क्या करें,
तो बताया कि वहाँ जाओ ऋषिमुख पर्वत पे, है ना, वहाँ वो जो सुग्रीव है। तो यानी सीता ने जो अपने आभूषण और वस्त्र गिराए तो उनको मिले थे, तो उनको पता था कि भाई रावण जो है वो सीता को ले गया है। तो ये जानकारी किसने दी? शबरी ने। तो शबरी कैसे सिद्ध हो गई? यही ठाकुर जी की कृपा है। प्रेम में जानकारी की जरूरत नहीं रहती है। भगवान को आपकी जानकारी से लगाव नहीं है कि आप कितने विद्वान हैं, है ना, शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं हैं। तो भगवान तो प्रेम भाव का भूखा है, सीधी बात है। ये जो सरलता है, जो प्रेम है भक्त की, जो सरलता है, वही भगवान को पसंद है। आपके हृदय के प्रेम से निहाल होकर वह अपने ज्ञान स्वरूप का निरावरण करता है। आपके हृदय के प्रेम से निहाल होकर वह यानी भगवान अपने ज्ञान स्वरूप को निरावरण करता है। तो ज्ञान स्वरूप का निरावरण ये वेदांत में अंतिम कक्षा है और भक्त के लिए बहुत ही सहज है। कौन से भक्त के लिए? शबरी की कोटि के भक्त के लिए। तो वैसी भक्ति हमारी होवे तब ये जो दूसरा भक्ति का पहलू है वो गौण है, प्रेम ही मुख्य है। आपकी समझदारी की सफलता तो यही है कि आप अपने हृदय के प्रेम को शाश्वत सुखालय भगवान की ओर उन्मुख करें। एक ही बात जानकारी में, हमारी समझदारी में, भक्ति का जो दूसरा पहलू है उसमें महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? आप अपने हृदय के प्रेम को शाश्वत सुखालय भगवान की ओर उन्मुख करें। हो क्या रहा है कि हम चाह कर भी भगवान की ओर उस प्रेम को उन्मुख नहीं कर पा रहे। संसार का जो मोह है, राग है, आसक्ति है, वो ठाकुर जी की ओर प्रेम को उन्मुख नहीं होने दे रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनजान तो वही है जो अंतःकरण के प्रेम को शाश्वत दुखालय संसारोन्मुख करता है। तो अगर हम दो शब्दों में कहें कि समझदार कौन है और नासमझ कौन है, तो महाराज जी ने इस प्रथम पैराग्राफ में बता दिया कि समझदार वो है जो भगवान की ओर अपने प्रेम को उन्मुख कर रहा है, निरंतर इस प्रयास में है, और नासमझ कौन है, अनजान कौन है, जो अंतःकरण के प्रेम को शाश्वत दुखालय संसारोन्मुख करता है। जान रहा है, सत्संग कर रहा है, पर वो जानकारी किस काम आई? वो तो अनजान ही है, क्योंकि वो फिर भी संसार में लगा हुआ है, तो इसलिए उसको अनजान ही कहना पड़ेगा। वो उसकी जो जानकारी है, हमारे राम भैया कहते हैं कि वो सिर्फ यहाँ बुद्धि और यहाँ कान तक सीमित है, हृदय में नहीं उतरी है। हृदय में उतर जाती तो उस संसार के प्रति प्रेम रहता ही नहीं। तो अनजान तो वही है जो अंतःकरण के प्रेम को, अब कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति दुखालय संसारोन्मुख थोड़ी करेगा। ये दुखालय कहाँ से लाए महाराज जी? भगवान ने 8वें अध्याय में स्पष्ट कहा है कि ये जो संसार है ये अशाश्वत है और दुखालय है। तो भगवान ने जब अपने ही श्रीमुख से बता दिया, संसार का परिचय दे दिया कि इसमें दुख के सिवाय और कुछ नहीं है, और फिर भी वो व्यक्ति संसार में लगा हुआ है, तो यही मानना पड़ेगा कि वो अनजान है, वो ना समझ है। इसी बात को परम पूज्य महाराज श्री और सरल करके बता रहे हैं, क्योंकि भक्ति के दूसरे पहलू में उस दिन 13 मई को महाराज श्री ने बताया था कि भाई कोई प्रेम भी करे और उसके बारे में जिसको प्रेम कर रहा है वो न जाने, तो ये तो बात बनेगी नहीं ना। पृष्ठ संख्या 134। भक्ति का दूसरा पहलू यह है कि जिसकी भक्ति हम करते हैं, दो नंबर इसमें नीचे बड़ा पैराग्राफ है, एक नंबर दो नंबर दिया हुआ है, तो दो नंबर देखिए। भक्ति का दूसरा पहलू यह है कि जिसकी भक्ति हम करते हैं
जिससे हमारा प्रेम होता है उसके बारे में हम जान जाएं, उसकी हमें पूरी जानकारी हो जाए। दृष्टांत देके समझाया था उस दिन, क्या दृष्टांत दिया था, देखो एक आदमी हमसे बहुत प्रेम करता है, वह हमें अपने घर भोजन कराने ले गया और वहाँ उसने हमारे सामने हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी सब बना कर रख दिया। उसका हमसे प्रेम तो बहुत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उसको हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इनको डायबिटीज़ है, हार्ट की तकलीफ़ है, ये मिठाई नहीं खाते हैं, तली हुई चीज़ नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्रेम अभी अधूरा है। ये बात उस दिन बताई थी, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। इनको क्या अनुकूल पड़ेगा और उनका स्वरूप कैसा है, व्यवहार कैसा है आदि आदि। तो भक्ति का दूसरा हिस्सा हुआ भजनीय के स्वरूप का ज्ञान। पर आज महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो दूसरा पॉइंट है ये आवश्यक नहीं है कि वो होना ही चाहिए, इसको और विस्तार में आज बताने जा रहे हैं। क्योंकि उस दिन जो बताया था उसमें अगर व्यक्ति को लगे कि भाई बिना शास्त्र ज्ञान के, बिना सत्संग के हम कैसे प्रेम करेंगे, तो प्रेम तो ये हृदय की वस्तु है। और एक बार पता लग गया कि संसार जो है वो दुखालय है, तो बस संसार से अपने को हटाकर और ठाकुर जी के चरणों में अपने को उन्मुख करना है, यही समझदारी है। जानकारी या समझदारी मुख्य जो है वो यही है। बाकी अब देखिए विदुरानी केले का छिलका दे रही है ठाकुर जी को, है ना, इधर सबरी वो बेर दे रही है, उसे तो ऐसे भी कहते हैं कि झूठे बेर, पर ये जो हमारे शंकराचार्य आदि कहते हैं कि नहीं, इतना सबरी मूर्ख नहीं थी, है ना, भगवान को झूठे बेर नहीं दिया। हाँ इतना पता लगा लिया कि इस पेड़ के बेर मीठे हैं, यानी वो उसको जब चखेगी तभी तो पता लगेगा, तो उस पेड़ के बेर भगवान के लिए रखे, झूठे बेर भगवान को दिए वो सही नहीं। पर जो भी है सबरी का भाव देखिए, है ना, तो भगवत प्रेम की महिमा अद्भुत है। अब आज उसी दृष्टांत को लेके जो कि उस दिन दिया था महर्षि बताएंगे कि अगर उतनी जानकारी नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं। आज थोड़ा जो महर्षि की शैली है वो बहुत ही अद्भुत है, यानी संत भगवान और जो भक्त है उसके बीच में संवाद, और वो संवाद भी पहले मानो कि संत भगवान उसको डांट रहे हैं, पर असल में वो डांट नहीं है, क्योंकि आगे चल के पता लग जाएगा कि संत भगवान भले डांट की लीला कर रहे हैं पर वो डांट नहीं है, वो तो प्रेम ही देखते हैं। वही दृष्टांत दे रहे हैं, देखो हमको डायबिटीज़ है, 25 वर्ष से अधिक हो गया है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हमसे प्रेम तो बहुत है लेकिन उन्हें हमारी डायबिटीज़ के बारे में जानकारी ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें शक्कर नहीं खानी चाहिए। वे तो बड़े प्रेम से हमारे लिए मिठाई लेकर आते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मिठाई हमें नुकसान करेगी। अब क्या होता है, अब वो व्यक्ति ला रहा है, जब हम उनकी मिठाई खाने से इनकार करते हैं, स्वाभाविक है भाई, संत भगवान शुरू में बताएंगे कि भाई हमारे लिए वो ठीक नहीं है, तो वो जब इनकार करते हैं तो प्रेम में देखिए क्या होता है, तब वो कहते हैं कि महाराज जी हमने ये मिष्ठान अपने घर में बनाया है, अपने हाथ से बनाया है, इससे आपको जरा भी नुकसान नहीं होगा। तो फिर संत भगवान क्या करते हैं, हम उनका मिष्ठान थोड़ा सा खा लेते हैं। यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो उसका प्रेम है, देखिए वो क्या कह रहा है, हमने अपने घर में बनाया है, अपने हाथ से बनाया है, और उसका इतना विश्वास है किसका, भक्त का, कि इससे आपको जरा भी नुकसान नहीं होगा। तो अब वो संत भगवान जो हैं ये तो ईश्वर के स्वरूप हैं ना, तो उनका मिष्ठान थोड़ा सा खा लेते हैं, यानी हम उसमें बिल्कुल जिद नहीं करते कि भाई हम छुएंगे नहीं इसको, इतना जब प्रेम से लाया है
तो हम थोड़ा सा पा लेते, ये बात सत्य है। तो हम चूँकि महाराज जी को सचमुच में डायबिटीज़ थी, ये कोई घटना बना के नहीं बोल रहे हैं, पर वो ले लेते। अब उससे होता क्या था, जो शिष्य लोग भक्त लोग जैसे हम लोग थे सेवा में, तो हमको बड़ा कष्ट होता था कि भाई डायबिटीज़ बढ़ेगी तो महाराज जी को, और उसका जो परिणाम है वो तो शरीर को भोगना ही पड़ता है। पर ये जो संत भगवान हैं, अब आगे के पैराग्राफ में देखिए, मानो संत भगवान और भक्त के बीच में एक ऐसा, मतलब कहना चाहिए कि रोमांचक संवाद महाराज जी प्रस्तुत कर रहे हैं, कल्पना करके कि मानो वो डांट रहे हैं संत भगवान। जब मनुष्य के हृदय में ऐसी प्रेम वृत्ति होती है तब भगवान उसके प्रेम के सामने उसके अनजानपने की परवाह नहीं करते हैं। यहाँ भगवान का अर्थ संत भगवान ले लीजिएगा, क्योंकि भगवान को क्या डायबिटीज़ होनी है ना, ये तो एक दृष्टांत देके समझा रहे हैं। क्योंकि भगवान जब संत रूप में आते हैं तो वहाँ तो सब प्रकार के देखते हैं, कैंसर भी है ना, महाराज जी को कैंसर था, रमण महर्षि को कैंसर था, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था। तो संत भगवान जब मनुष्य लीला करते हैं, यानी ईश्वर जब संत भगवान के रूप में मनुष्य लीला करते हैं वो अलग है, और वही ईश्वर जब अवतार रूप में आते हैं वो अलग है। तो राम और कृष्ण की बात यहाँ नहीं है, यहाँ तो भगवान जब संत के रूप में आते हैं उसकी बात चल रही है। तो कह रहे हैं जब मनुष्य के हृदय में ऐसी प्रेम वृत्ति होती है, जैसे ऊपर बताया, क्या कहा उसने, भाई हमने घर में बनाया है ना, बड़े प्रेम से बनाया है, वो आपको नुकसान नहीं करेगी है ना, तो तब भगवान उसके प्रेम के सामने उसके अनजानपने की परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ प्रश्न उठा कि वो जो संत हैं उनको नहीं लेना चाहिए, जब उनको पता है कि वो जो मिठाई है उनको नुकसान करेगी तो क्यों ली। महर्षि ने लिखा है हम उनका मिष्ठान थोड़ा सा खा लेते हैं। अब एक व्यक्ति आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, गुरु पूर्णिमा पे तो सैकड़ों आते हैं। अब अगर हर एक का थोड़ा थोड़ा लेने लगे तो उनकी क्या स्थिति होगी। तो इसलिए अब ये आगे का संवाद कर रहे हैं, उस संवाद में मानो कि संत भगवान गुस्सा होके कहते हैं है ना, हटाओ तुम इसको, तो कहते हैं कि वो संभव नहीं है, वो उनकी लीला है, वो गुस्सा नहीं हो रहे हैं। जब मनुष्य के हृदय में ऐसी प्रेम वृत्ति होती है, यानी सच्चा जिसका प्रेम है, तब भगवान उसके प्रेम के सामने उसके अनजानपने की परवाह नहीं करते हैं। आज जो जहाँ से हमने शुरू किया, अनजानपना क्या है और समझदारी क्या है, वो ध्यान रखिएगा। आज के पृष्ठ में हमको ये समझना है कि समझदारी हमारी किस में है। समझदारी की सफलता, तीसरी पंक्ति, समझदारी की सफलता तो यही है कि आप अपने हृदय के प्रेम को शाश्वत सुखालय भगवान की ओर उन्मुख करें। अगर ये हो रहा है वो तो समझदार है, पर ये सब सत्संग करते हुए भी वो अगर शाश्वत दुखालय संसार उन्मुख कर रहा है तो वो अनजान है, ना समझ है, यानी कि वो, उसको और भी कड़े शब्दों में कहें तो मूर्ख है। तो ये मूढ़ता जो है, ये जो अनजानपना है, वो भक्त में नहीं रहता। वो तो भगवान से इतना प्रेम कर रहा है, इतना प्रेम कर रहा है, तो उसके प्रेम की क्या बात होगी। यहाँ आज के पृष्ठ में ये प्रश्न है कि उसके प्रेम के सामने अवतार का काल तो है नहीं, तो संत भगवान क्या करेंगे, क्या उसको मना कर देंगे। तो बता रहे हैं कि जब मनुष्य के हृदय में ऐसी प्रेम वृत्ति होती है, ऐसी प्रेम वृत्ति होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जैसे ही पता लगेगा कि भाई ये वस्तु हमारे महात्मा जी को नुकसान करेगी, वो कोई आग्रह नहीं करेगा, ये भी आग्रह नहीं करेगा कि हमने घर में बनाई है, ये भी आग्रह नहीं करेगा कि आपको नुकसान नहीं करेगी, है ना। तो कल्पना करो कि ऐसा कोई भक्त है जिसका प्रेम ऐसा है कि सहज सरलता से, बनावट नहीं है,
तब संत भगवान उसका ग्रहण कर लेते हैं। इस बात को आगे समझाने जा रहे हैं कि क्यों ग्रहण करते हैं, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो देखिए महर्षि बताएंगे कि कल्पना करो कि वो उसको डांटे तो एक अच्छा थोड़ी होगा। प्रेम वृत्ति का महत्व है, तब संत भगवान, भगवान के साथ संत जोड़ दीजिएगा, तब संत भगवान उसके प्रेम के सामने उसके अनजानपने की परवाह नहीं करते हैं। क्यों? अनजानपना कौन सा गलत है अगर वो संसार में लगा हुआ है? अरे वो तो उसको, संत को स्वयं को पता है कि वो तो 24 घंटे बस भगवान की भक्ति करता है ना? ये तो सर्वज्ञ होते हैं ना। बम्बई में एक मुंदड़ा करके पति पत्नी तो अपने बेटे को लाए, बेटा भी छोटा था, तो ये तो महर्षि के दीक्षित भक्त थे, मंत्र लिया हुआ था महर्षि से। उन्होंने स्वयं सुनाया कि स्वामी जी अब वो बच्चा बहुत हम लोगों को देखे तो हमको भी मंत्र लेना है, हमको भी मंत्र लेना है। तो इधर क्या हुआ था कि किसी कारण से दोनों का जो नियम था मंत्र जप करने का तो छूट गया होगा। खैर बच्चा तो जब देखा कि देख रखा होगा कि माता पिता ऐसे सुबह, तो छोटे बच्चे अनुकरण करना चाहते हैं तो बड़ा जिद करता था। इस समय वो डॉक्टर है तो बहुत पुरानी 40 साल पहले की बात मैं सुना रहा हूँ, बल्कि ज़्यादा। उन्होंने सुनाया कि स्वामी जी हम बच्चे को लेके गए और महर्षि से कहा, ये मानता ही नहीं है, ये कहता है कि हमको महर्षि से मंत्र दिलाओ। महर्षि ने हंस के कहा कि इसको क्या मंत्र दें, अरे जिनको दिया हुआ है मंत्र, तुम लोगों को दिया हुआ है, तुम ही लोग नहीं करते। तो वो दोनों एकदम, उनको लगा कि भाई कैसे महर्षि को पता लग गया। तो महात्मा लोग तो अंतर्यामी होते हैं। बाद में उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और फिर नियमित रूप से जप करने लगे। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रेम की वृत्ति किसकी है वो तो महर्षि यानी संत भगवान जानेंगे। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि अनजानपना तो क्या है, आज की पृष्ठ की मुख्य बात अपने उसको नहीं भूलना है। अनजानपना है कि हम सत्संग करने के बाद भी सोच रहे हैं कि संसार हमें सुख देगा, इससे बढ़कर और कोई नासमझी नहीं हो सकती। संसार में व्यवहार सब करो, है ना? महात्मा लोग व्यवहार के लिए नहीं मना कर रहे हैं, सबको बाबा जी नहीं बनाना है, पर ये बात हृदय में पक्की रखनी चाहिए कि संसार में जो सुख भी मिल रहा है वो सुख का आभास है, सच्चा सुख नहीं है। कल राजेंद्र ने एक बहुत बढ़िया बात कही, बोले कि कभी कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं, और कभी कभी एकदम आनंद में है। तो ऐसा स्वामी जी क्यों होता? हमने बताया कि राजेंद्र ये जो सत्व रजस और तमस, ये तीन गुण जो हैं, इन तीन गुणों का खेल चल रहा है, पूरा संसार इसी में। माया क्या है? माया त्रिगुणात्मिका है, ये माया से ही भगवान ने ये पूरा संसार बनाया। तो सत्व रजस तमस ये तीनों रहेंगे प्रत्येक व्यक्ति में। अब प्रश्न यह है कि कभी सत्व जोर मारता है, जो साधन भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, है ना, सद्गुरु का, जिन्होंने सद्गुरु को अपने जीवन में अपनाया है, वर्ण किया है, है ना, नियम करते हैं, जप करते हैं, तो कभी कभी उनके जीवन में जब सात्विकता ऊपर हो जाती है तो रजस और तमस दब जाता है। अब उस समय देखो उसकी, उसको लगता है कि कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, भगवान हमारे साथ में है हर क्षण। और वही व्यक्ति, दूसरा नहीं, वही व्यक्ति जब किसी कारण से वो जो संकट आया है या कोई भी परिस्थिति आई है, अब वो परिस्थिति में दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इस परिस्थिति में इस संकट से बाहर कैसे निकले। हालांकि भक्त लोग, संत लोग तो ये कहते हैं कि
जिस संकट में से बाहर निकलने का हमारे पास हमको एक भी रास्ता नहीं सूझ रहा है, भगवान के पास हजार रास्ते, आप कल्पना करो, हमको तो एक भी रास्ता नहीं सूझ रहा है और भगवान को उसमें से निकालने के लिए है ना उनके पास हजार रास्ते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो सात्विकता है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वो तो बनाए रखना तभी संभव है जब व्यक्ति संसार के उन्मुख कम हो गए, जितना आवश्यक व्यवहार है उतना कर लिया, अब पाप कर्म करके भी संसार का ये सब बटोर रहे हैं तो बटोर के क्या है। कल सरला ने कहा ये सब यहीं रह जाना है, अब हम 70 के हो गए, अब हमारे साथ क्या जाना है। अरे भाई 1 अरब हो 10 अरब हो वो सब यहीं रह जाएगा। तो प्रश्न ये है ना, जो लोग धार्मिक है उसका तो महर्षि भी आदर करते थे, जितने धार्मिक परिवार हैं, बिरला थे है ना, जेके परिवार था हमारे जीवराज का और ये अपने खेतान परिवार, महर्षि स्वयं जाते थे उनके घरों में, रहते थे मतलब उनको और अच्छे संस्कार देवें, इनमें जो धार्मिकपना है वो धार्मिकपना और आगे बढ़े। तो अब प्रश्न ये है कि वो जो संकट की स्थिति या परिस्थिति आई उसमें जब वो सात्विकता बनी रहेगी, पूरा महाविश्वास इसको कहते हैं, तो महाविश्वास तो कैसे बनेगा, जो बहुत साधन भजन करता है ना, उसको पक्का पता है कि ठाकुर जी, इसीलिए तो कुंती बुआ कह रही है कि हमको आप विपत्ति दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ जी आप क्या मांग रही हैं, ऐसा तो कोई नहीं मांगता। बोले नहीं, आप विपत्ति देते हैं तो आप जरूर आते हैं। तो वो तो अवतार काल था, पर आज भी भक्त अनुभव करता है कि विपत्ति में ठाकुर जी हमारी अवश्य रक्षा करते। तो इसलिए ये जो आज के पृष्ठ में हमको महर्षि कहना वही चाह रहे हैं जो पहले प्रथम पैराग्राफ में बता दिया, समझदारी है भगवान की ओर लगे, है ना, संसार का व्यवहार चलता रहे, वो ठाकुर जी चला रहे हैं और बड़ा अच्छा चलाएंगे, उसकी ज़्यादा विचार नहीं करना, उसकी ज़्यादा योजना बनाने की जरूरत नहीं है। योजना अगर बनावें तो भगवान का भजन कैसे करना है, संसार में लगने की योजना नहीं बनानी है। अरे सबने बना के देख लिया, कोई सुखी नहीं हुआ, पूछो माता पिता को पूछो, है ना, शादी करी, उन्होंने बच्चे पैदा किए, संसार जोड़ा, क्या हुआ उनका अनुभव पूछो, तो फिर भी अपने बच्चों को उसमें क्यों लगाते हैं। अरे भाई संसार ही वैराग्य देगा। कल आई एक देवी जी, बोले कि अब वो बेटा बम्बई में भेजा, अब वो वापस तो आ गया है, अब वो सिगरेट भी पी रहा है और शराब भी पी रहा है। हमने कहा कि देखो ये जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति जब तक करके देख नहीं लेगा और समझ नहीं लेगा कि इसमें कुछ नहीं रखा है ना, तुम बिल्कुल डरो नहीं, तुम लोग महर्षि से जुड़े हुए हो, ये हर एक के जीवन में आता है, बहुत बुद्धिमान है ना, जो पूर्व पूर्व जन्मों में कर चुके हैं उनमें भले ना आवे, बाकी प्रत्येक के जीवन में आता है। बुद्धिमान व्यक्ति कर करा के देख लेता है और फिर उससे हमेशा के लिए उपराम हो जाता है, हमेशा के लिए ठाकुर जी को पकड़ लेता है। तो इसलिए उपनिषद में आया है कि पहले संसार को देख लो कि इसमें कुछ नहीं है। वो माता पिता बहुत डर जाते हैं कि अब क्या होगा, अब ये तो ये उसमें बिगड़ भी जाते हैं बच्चे, पर हमने कहा कि तुम लोगों को डरने की बात नहीं है। तो ये संकट जो आता है तो व्यक्ति बहुत घबरा जाता है, तो तमस और रजस हावी हो जाते हैं, अब जब वो हावी हो जाते हैं तो सत्व दब जाता है, तब वो व्यक्ति बड़ा चिंतित हो जाता है, बड़ी टेंशन में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ आज के पृष्ठ में वो बात बहुत मुख्य है कि ये जो शाश्वत दुखाले संसार है उसकी ओर जितना ज़्यादा हम लगे रहेंगे उतना ही ये रजस तमस हमको दुखी करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति सत्संग है ना, महात्माओं का संग, ये जो हमारा पूजा पाठ जो भी है, ये जब तो निरंतर चलता रहना चाहिए, व्यक्ति का जब चलता रहे
अब देखिए आगे का पृष्ठ सरल है। महर्षि कह रहे हैं कि जब मनुष्य के हृदय में ऐसी प्रेम वृत्ति होती, कैसी, जैसे शबरी की थी, तब भगवान उसके प्रेम के सामने उसके अनजानपने की परवाह नहीं करते हैं, है ना। इसलिए कुछ लोग जो कहते हैं कि झूठे भेद दे रही थी, तो वो भी कथा कथावाचक सुनाते हैं, पर जो शास्त्रीय लोग हैं वो तो खंडन करेंगे ही, क्योंकि ठाकुर जी झूठे बेर लेवे वो जरा उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, किनको, जो ऐसे बहुत ऊंचे पद पे हैं, शंकराचार्य हैं, तो उसका खंडन करते हैं कि ये बात गलत है। उस पेड़ के बेर वो रख लिए जिससे मीठे बेर थे। मान लो कि भगवान उससे कहते हैं, जा संत भगवान मानो कहे, जा तू तो हमारे बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट ट्रबल है। अरे भले मानुष, तेरे घर में ये मिष्ठान बना है तो क्या हुआ, तूने स्वयं इसे अपने हाथ से बनाया है तो क्या हुआ, इसमें जो इसमें से शक्कर लुप्त हो गई क्या, ना ना, है ना। मानो ऐसे वो संत भगवान कहें कि हमें डॉक्टरों ने तेल घी शक्कर दूध के लिए मना किया है, हम तेरे विनय प्रार्थना सुने या अपने सिर पर सवार डॉक्टर की सलाह सुने, जा बाबा जा यहाँ से, तुझे हमारे बारे में तनिक भी जानकारी नहीं। तो ऐसा वो नहीं करते। यहाँ कहने का भाव यह है, अगले पैराग्राफ में देखिए, भला बताओ ऐसा बोलना भगवान के प्रेम के स्वरूप के अनुरूप होगा। यानी संत भगवान जो हैं, जिसके पास भक्त गया है और वो जो अद्भुत प्रेमी है उनका, तो उनको अगर ऐसी डांट लगाएं तो ये तो उनके अनुरूप नहीं है। यानी सचमुच में जो इस प्रकार के ईश्वर कोटि के संत हैं वो डांट लगाएंगे ही नहीं, कहने का भाव ये है। ऊपर कह दिया ना महर्षि ने कि हम उनका मिष्ठान थोड़ा सा खा लेते हैं, यानी हम डांट नहीं लगाते। तो अगर ऐसा कहे तो क्या ये भगवान के अनुरूप होगा, संत भगवान के, नहीं होगा। प्रेम ही एकमात्र बंधन है। तो अब वो जो कोई अगर प्रश्न उठावे कि मिष्ठान नहीं खाना चाहिए था, उसका उत्तर दे रहे हैं, मिष्ठान क्यों लिया, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र बंधन है जिससे भगवान बनते हैं। भगवान को आपकी पूरी कचौड़ी मालपुओं से प्रेम नहीं है, भगवान को आपके रसगुल्ले गुलाब जामुन से कुछ प्रयोजन नहीं है। वस्तु से भगवान नहीं रिझता, है ना। देखिए खिचड़ी का भोग लगता है कि नहीं, भगवान ने आज तक नहीं कहा कि भाई हम बीमार थोड़ी हैं, हमको खिचड़ी का भोग क्यों लगाते हो। तो भगवान जो है उनको बहुत बढ़िया बढ़िया भोग लग रहा है ना, बतूरा और क्या क्या कचौरी और क्या क्या बन रहा है ना। तो अब ऐसा नहीं कि भगवान को वो तो पसंद है और खिचड़ी जो है कि इसको हटाओ, ये क्या रोगियों का तुमने लगा दिया भोग। तो भगवान जो है वो तो प्रेम देखते हैं, है ना। वस्तु से भगवान नहीं रिझता कि आज बड़ा, है ना, आज तो हमने ऐसे भोग लगाए कि क्या कहना, वस्तु से नहीं रिझता, वहाँ भाव है कि नहीं। भले राजभोग लाए, कुछ भी लाए, है ना, जन्मदिन है, आज ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हम भोग लगा रहे हैं, वस्तु से नहीं रिझता। बोले गए कि बढ़िया बढ़िया वस्तु आवे, इसीलिए भागवत में वर्णन आया है कि एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण और एक राजा, अब भगवान को जाना दोनों जगह था क्योंकि दोनों अद्भुत भक्त थे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान और उनके साथ जितने ऋषि महर्षि सबके दो रूप हो गए एक ही समय पे, क्योंकि एक ही नगर में रहते थे दोनों, तो एक ही समय में दोनों स्थान में गए, दो रूप बना लिए ना। अब वो ब्राह्मण जो गरीब था, अब उसके पास तो कुछ था ही नहीं ज़्यादा, पर इतना खुश है ना, नाचे और क्या क्या। और काल का वहाँ बताया है कि एक महीना वहाँ राजा के यहाँ रहे और एक दिन वो गरीब ब्राह्मण के यहाँ रहे, काल बराबर एक दिन और एक महीना, है ना। भगवान यानी ये काल भी माया का है, ये जो हम घड़ी वगैरह लेके बैठते हैं, है ना, ये भी माया का है, इसमें भी कोई ज़्यादा तत्व नहीं है। तो भगवान ने दिखाया वहाँ,
क्यों? क्योंकि गरीब ब्राह्मण के यहाँ एक महीना रहेंगे तो वो बेचारा कैसे सेवा कर पाएगा, तो एक ही दिन काफ़ी है वहाँ। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ तो भगवान को प्रेम देखते हैं, वस्तु से भगवान नहीं रिझता, प्रेम से भगवान प्रसन्न होता है। दुर्योधन के है ना मेवा छोड़ दिए, दुर्योधन के मेवा त्यागे और शाक, विदुर के यहाँ शाक खाया तो उसका पद ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि उनको वो दुर्योधन के बड़े बड़े जो उनको लगा कि ये तो बड़ा चटोरा है ना, तो हम इसको इस प्रकार बढ़िया बढ़िया खिला के अपनी ओर कर लेंगे। भगवान वस्तु से भगवान नहीं रिझता, प्रेम से भगवान प्रसन्न होता है। नहीं पाया ही नहीं, दुर्योधन को मना कर दिया, चले गए विदुर के पास। अरे बाबा, भगवान ये नहीं देखते हैं कि जीवात्मा ने हमारे बारे में जानकारी प्राप्त की है या नहीं, सीधी बात है। तो भक्ति के दो पहलू में दूसरा पहलू गौण है, वो प्रेम वाला पहलू ही मुख्य है। भगवान देखते हैं कि यह हमारे लिए प्रेम से लाया है ना। तो अंत में क्या कह रहे हैं भाई, वेदांती लोग कहते हैं कि जीवात्मा को परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो बिल्कुल उसको उड़ा दिया। जीवात्मा को परमात्मा अज्ञात है, इसका क्या उलाहना है? कोई उलाहना नहीं है। जब भगवान को ज्ञान देना होगा दे देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम, दसवां अध्याय। तो क्या प्रेम कुछ नहीं है? क्या ज्ञान ही सब कुछ है ना? क्योंकि महर्षि के उसमें ये वेदांती लोग ज़्यादा बैठते थे, तो इसलिए यहाँ इन पृष्ठों में जो संकलित किए हैं एक के बाद एक सब भक्ति की महिमा महर्षि बता रहे हैं। नारायण हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जान। वहाँ प्रश्न उठ गया कि भगवान को मतलब हम कहाँ ढूँढें। तो भगवान शंकर कहते कि मैं भी, पार्वती को सुना रहे हैं उमा को, कि मैं भी वहाँ बैठा था। तो लोग कहते थे क्षीर सागर जावें कि बैकुंठ जावें कि गोलोक जावें, तो फिर भगवान शंकर बोले कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। भगवान शंकर ने क्या कहा? अरे वे तो सब जगह है, कहीं जाने पर मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई, आप दिल्ली से यहाँ गोपालगढ़ आओगे तभी भगवान मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है। वो तो 58 ग्रेटर कैलाश वहाँ पर भी हैं, वहाँ जो ठाकुरबाड़ी है वहाँ पर बैठ के हम भजन, सरला भजन करती है, जो भी वहाँ बैठ के भजन करता है वहाँ भी है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो फिर वृंदावन आओगे तो सत्संग मिलेगा है ना, वो वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आजकल तो उपकरण है, तो दुनिया भर के है ना रिकॉर्ड होता है, सुन लो, स्वामी जी से मंगा के। नारायण 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 नारायण।